भगवान शिव के त्रिशूल के बारे में तो आप सभी जानते हैं। उनका त्रिशूल सदैव उनके साथ रहता है और ये उनका महत्वपूर्ण हिस्सा है। वैसे भी भगवान शिव को अपना डमरू, नाग, मुंडमालाएं और त्रिशूल अत्यंत ही प्रिय है और उनके स्वरूप में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं एक ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ भगवान शिव का असली त्रिशूल गड़ा हुआ है। जी हाँ, वैसे तो भगवान शिव के कई मंदिर हैं, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं पटनी टॉप के पास स्थित शंकर जी के शुद्ध महादेव मंदिर के बारे में, जो शिव जी के प्रमुख मंदिरों में से एक है। पौराणिक कथाओं में भी इस मंदिर का जिक्र मिलता है। ये मंदिर जम्मू से 120 किलोमीटर की दूरी पर पटनी टॉप के पास शुद्ध महादेव मंदिर के नाम से स्थित है। इस मंदिर की ये विशेषता है कि यहाँ पर त्रिशूल तीन टुकड़े में जमीन में गड़ा हुआ है और पौराणिक कथाएं बताती हैं कि त्रिशूल स्वयं भगवान शिव का है। इस मंदिर का निर्माण आज से लगभग 2800 वर्ष पूर्व हुआ था और इसका पुनर्निर्माण आज से लगभग एक शताब्दी पूर्व स्थानीय निवासी रामदास महाजन और उनके पुत्र ने किया था। इस मंदिर में शिवलिंग और शिव परिवार की मूर्तियां स्थापित है और कहा जाता है कि माता पार्वती की जन्मभूमि मानतलाई थी और माता अक्सर यहाँ पर पूजन करने आती थी और जब एक बार वे पूजन करने आई तो उनके पीछे सुधांत नामक राक्षस भी यहाँ आ गया। वो भी शिव भक्त था और भगवान शिव का पूजन करने आया था। माता पार्वती अपनी पूजा में व्यस्त थी और जब उन्होंने पूजा समाप्त होने के बाद आँखें खोली और अपने समीप एक दानव को देखा तो उनके मुँह से चीख निकल गई और उनकी ध्वनि जब भगवान शिव ने सुनी तो समाधि में लीन भगवान शिव को ये लगा कि वह मुसीबत में है और उन्होंने माता पार्वती की रक्षा के लिए अपना त्रिशूल फेंक दिया और त्रिशूल आकर सीधा सिद्धांत के हृदय में लगा। लेकिन जब शिव जी को ये पता चला कि उनसे बड़ी भूल हो गई है तो वे वहाँ प्रकट हुए और वे सुधांशु को जीवन दान देना चाहते थे, लेकिन अपने इष्ट देव के हाथों प्राण त्याग कर सुधांत मोक्ष की प्राप्ति करना चाहता था। इसलिए भगवान शिव ने सुधांत को आशीर्वाद दिया कि आज से तुम्हारे नाम पर ये जगह शुद्ध महादेव के नाम से जानी जाएगी। साथ ही भगवान शिव ने त्रिशूल के तीन टुकड़े कर वहीं गाड़ दिए जो आज भी वहां देखे जाते हैं। मंदिर के खुले परिसर में ये त्रिशूल गड़े हुए हैं और भक्तों द्वारा इनका जलाभिषेक किया जाता है। इस मंदिर में नाथ संप्रदाय के संत बाबा रूपनाथ ने भी समाधि ली थी और उनकी धुनी आज भी मंदिर परिसर में बनी हुई है और मंदिर के बाहर एक बावड़ी भी है जिसका नाम पापनाशिनी बावड़ी है, जिसमें 12 महीने पहाड़ों से पानी आता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बावड़ी में नहाने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ आने वाले भक्तों को पहले बावड़ी में स्नान करते हैं और फिर मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। इस मंदिर से 5 किलोमीटर दूरी पर ही माता पार्वती की जन्मभूमि कही जाने वाली मानतलाई स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर माता पार्वती का जन्म हुआ था और यहीं पर माता पार्वती का शिवजी से विवाह भी हुआ था। यहाँ पर माता पार्वती का मंदिर है और एक कुंड भी बना हुआ है जिसका नाम गौरी कुंड है। ये सारी ही जगह देखने लायक है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।